भी बुद्धि मैंने लाख महिला है लेकिन महिला ना बाबा वो महिला ना हम प्रणाम करेंगे तुम दूध पिलाते हुए मैंने हर वीडियो दीदी अब हम आपको बता रहे हैं अरे नहीं भाई उसके बच्चे दूध पिलाने वाले थे ही नहीं वीडियो में आप नहीं समझ रहे हैं हम बता रहे हैं देखिए क्या बात कर रहे साक्ष्य पे बात गांव देहात के ढेला पोछनी कहीं की तोरा कीपैड मोबाइल ने चलावे आवे हलौ आ मोबाइल मिल गेलौ है तो भतार के साथ अलबला रही है दीदी हमर माई के गाड़ी दी है हमको बहुत बुरा लग रहा है यानी मां मेरी बहन को गाड़ी दी है नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमें समीर चौधरी जिस प्रकार ये गंदगी फैला रही है आखिर में ई राक्षसनी के लिए आप क्या कर सकते हैं नहीं कीजिए आप क्या चाहते हैं हम क्या करें हम यही चाहते हैं कि इसका आप दोनों हाथ से झोंटा पकड़ के इसको पकड़ के बिहार ले आइए भाई अब दीदी आपने उसका पुतला जलाया इससे हमको कतई कोई आपत्ति नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो समाज आपको ऐसा लगा कि उसने गलत किया और उसका विरोध होना चाहिए आपने उसका पुतला जलाया और उस वो बात से हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन आपने उसके मुंह पे ना चप्पल जो मारा ना इस बात से आपत्ति नहीं आ रहा है हाँ रिंकी रिंकी निषाद के मुंह की बात हो रही है गोरखपुर नहीं नहीं भेलपुड़िया भौजी उससे क्या होता है गोरखपुर का नाम मत बेचिए आप लोग बोल रहे हैं एकदम हाँ तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें थोड़ी सी आपत्ति इसलिए जनी क्योंकि देखिए भाई सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वालों में अकेली वो महिला नहीं है उसके साथ जाने सैकड़ों लोग हैं तो सैकड़ों लोगों में कहीं ना कहीं पुरुष का भी उतना आप बाबू के बेबी के बारे में क्या कहो नहीं समझे पुरुष का तो हाथ हम तो खोज रहे हैं बाबू को अरे मारेंगे इनाम दीजिए ना इनाम समीर चौधरी रख दल की दीदी उसका देखिएगा बेबी के बाबू जो है उसके नाम पे इनाम रखा गया जो भी हमको एड्रेस बताएगा जो भी बताएगा कि समीर भैया ये फलाने जगह पे समीर चौधरी क्यूक वहाँ पहुंचेगा जैसे क्यूक मैसेज जाता होगा ना पहुंचेंगे तो हम देखिए हम इतना ही जानते हैं दीदी देखिए पूरा खुलासा समीर चौधरी कर रहा देखिए आज क्या हुआ अमरेश पुरी जी को सब कोई जानता था तो ये भेलपुड़िया जो है ना ये अमरेश पुरी बनी हुई है आप इतना देखिए ना कि अभी 10 दिन से जो सोशल मीडिया पर लोग उसको देख रहे पहले से कोई नहीं जानता था आपने नहीं जानते थे दीदी जानते थे तो हम इतना ही जानते कि बहुत कम ही लोग थे जो उसको जानते थे कि ये कोई ब्लॉगर है लेकिन जब हम भी इसको देखे ना तो इसका कोनो वीडियो में ये नहीं दिखता है कि आखिर में बेटियों के साथ अत्याचार कैसे होता है हाँ। आखिर में बेटियों के साथ ससुराल में किस तरह से बिहेवियर रखा तो जाए सोशल वर्कर तो नहीं ना है भाई इसमें दिखावे के चाहेंगे तो नहीं ना है सोशल वर्कर वो अरे भाई समझो ये ब्लॉग बनाती है मदद की है पैसा कमाती है वो जो मालती का पति है ना अब मालती के बीच में लड़ाई होता ठीक है ना ये लड़ाई के सबसे फायदा लिया है पड़ोसिया पड़ोसिया कौन थे भेलपुड़िया क्योंकि आज ही बात है दीदी जानते हैं उन्हें गोतिया का लड़ाई में मजा ले लेता है पड़ोसिया हाँ वो जगह बना लेता है अपना तो हम इतना जानते हैं कि मालती के मैटर में ये घुसी और घुसी कब से तो पहले से इन्वॉल्व थी लड़ाई होता था तब ये मालती को लगता था ना कि कोई हमारी दीदी हमारे सपोर्ट में है वही नहीं जानती थी कि दीदी बड़का सफेला हुआ है ना तो वो दीदी जो है ना वो दीदी के नाम पे आज इसको ले गया और कहीं ना कहीं हम इतना जानते हैं कि उसका जो पति है क्या नाम है वो महिला होकर अंग प्रदर्शन करना पेटीकोट पर वीडियो बनाना बच्चे को दूध पिलाते हुए वीडियो बिल्कुल गलत बात आज तक कोई भी उसका वीडियो दूध पिलाते हुए मैंने हर वीडियो दीदी अब हम आपको बता रहे हैं नहीं भाई अच्छा, उसके बच्चे दूध पिलाने वाले थे ही नहीं आप नहीं समझ रहे हैं हम बता रहे हैं देखिए क्या बात कर रहे हैं साक्ष्य पे बात कीजिए नहीं नहीं साक्ष्य पे ही बात होता अब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि साइबर सेल में जाके केस करना होगा क्योंकि उसका बहुत यूट्यूब चैनल जो है ना डिलीट हो गया वीडियो मालती का आया है दीदी नहीं 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 दीदी हम बोल रहे हैं हम मैया क्रिया खा के बोल रहे हैं हम मैया क्रिया खा रहे हैं अपन बहन सब की क्रिया खा के बोल रहे हैं समीर चौधरी ने ओकर वीडियो देखा है पूछिए क्यों अब हम बता रहे कि उसका वीडियो जब आया ना तो हम पूरा अभी खोजने लगे तो देख रहे हैं ना कि 2019 में इसका अब चैनल दिख रहा 20 में दिख रहा मैंने इसका जितना भी 18 में या 17 में जो चैनल चल रहा था ना सब बंद हो गया सब चैनल टिकटॉक बंद हो गए ना ये सब टिकटॉक के समय से उछल कूद कर रही है तो अब का है दीदी सवाल है देखो भाई तुम भी बोल लाख महिला है लेकिन वो महिला ना हम प्रणाम करेंगे तुम प्रणाम करो तुम उसको उजागर करो हमारा काम क्या है कि कोई गलत महिला है तो उसको अच्छी राह दिखाना उसको अच्छा बनाना आप दीदी नहीं देखे थे कि समीर चौधरी कहां गया था दिल्ली के जीवी रोड जाके एक महिला को सुधारा कितना बढ़िया काम कर ली दीदी गोरखपुरिया को भी सुधारेंगे हम इतने जानते हैं हम अपन तमाम दीदी लोग से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे अगर लगा कि समीर दीदी समीर चौधरी से अगर गलती अगर हुआ होगा तो आप लोग जूता चला के मारिए लेकिन समीर बहन नहीं है मेरा कोई बहन नहीं है लेकिन हम तमाम बहनों से अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं
आप लोग जाके हमारे देख लीजिए कि वीडियो इंस्टाग्राम पे हम हर चीज डालते हैं उसका, एक्टर समीर चौधरी के पेज पे आप देखिए उसका हर अपडेट है। लेकिन आप लोग से विनती है दीदी कि अपने समाज को बचाना, जानती हैं दीदी, तो अपने वीडियो बना के भेजिए। दीदी को नहीं बोलिए, भैया लोग को भी बोलिए कि दीदी अपन हिंदुस्तान है, हमारा यहाँ के हिंदुस्तान के महिला के कपड़ा विदेशियन पहनता है, नहीं पहनता है, पहन के हरे कृष्णा करता है, जबकि क्या चाहिए आप लोगों को, नहीं अच्छा लग रहा है ना कि विदेश का हम लोग के कल्चर यूज कर रहा है, लेकिन हुआ के कल्चर ही पहन पहन के वीडियो बना रहा है। रे बप्पा, कोई भी पति पत्नी जब बाजार में जाता है ना, तो कोई किसी की पत्नी को जब ऐसे देखता है तो पति बोलता है पल्लू ऐसे करो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना, इज्जत जा रहा हमारा, हम अपनी इज्जत के साथ घूम रहे हैं। तो कम से कम आप लोग भी ये समझिए, गांव देहात की लड़की से आप शादी करते हैं, आप दो क्लास पढ़ लेते हैं, तो आप उसको आप इस लाइन में ढुका देते हैं, क्या करते हैं, अरे छोरो में इज्जत के, छोरो ना बांट के, लेकिन वो आपके लिए नहीं, छोरो अपने पिता से पूछिए, अपनी माता से पूछिए, सास ससुर से पूछिए। दीदी ठीक बस आप बिना मानवीय महिलाओं के बात करते हैं, तो आप गोरखपुरिया भौजी के समर्थन करते हैं, उनके साथ आप खड़ी हैं? मैं गोरखपुरिया की चौधरी उसका विरोध कर नहीं, विरोध समर्थन की तो बात ही नहीं, नहीं है यहाँ पे, हम लोग का बात नहीं, हमें समाज को स्वच्छ बनाने की बात हो रही है। उसके लिए समीर चौधरी, उसकी जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाएगा, अब वो गंदा वीडियो पेश ना करे समाज में, उसे रोका जाएगा, और जो लोग कर रहे हैं उसे रोकने का काम सुधरेगी। नहीं सुधरेगी तो PIL फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे चार का हम जा रहे हैं दीदी, हम दिल्ली जा रहे हैं, बोलने वाली बात नहीं है। बाबू की बेबी के लिए क्या कुछ करेंगे, खोज रहे हैं, जैसे ये जलाए हैं उसका पुतला, हम भी जलाएंगे उसका पुतला जाके, खोज रहे हैं। दीदी के बाद पुतला जलाने वाला आपका भाई है ना, हम जला रहे थे उसको, बेबी का बाबू मिल जाएगा नहीं तो जूता खाएगा। और दीदी रह गई तो भाई के पास आओ, रिंकी निषाद के साथ जाके ये बाबू का पुतला जलाएंगे। और उसको उसको अच्छा बनाने, अगर रिंकी ने काम छोड़ दिया, अच्छे अच्छे चीज ला रही है समाज में, तो उसका पूरा क्रेडिट समीर भाई को जाएगा। नहीं नहीं उतना नहीं, हम इतना जानते हैं कि समाज, एक मिनट सर, पहले सवाल को सुन लीजिए। समाज में जितने भी देखते होंगे महिलाओं के साथ जो घटना होता है ना, अक्सर दीदी को देखते होंगे आप लोग, काहेल है? अरे भैया है समाज में अच्छे लोग, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? अगर आपके ससुराल में कोई प्रताड़ित कर रहा है, अगर आपका पति आपको प्रताड़ित कर रहा है, अरे दीदी है आपका एक भाई है, आप फोन करके बोलिएगा हम लोगों को, तब ना हम लोग आवाज उठावेंगे जी। दीदी ये बताइए, आपकी जाएंगे उसके साथ पुतला जलाने बाबू के बेबी का, लेकिन वो सारे यूट्यूबर को मीडिया को चप्पल लेकर दौड़ाती है, वो गलत है, वो भाषा का प्रयोग जो उसने किया, गाली दी है दीदी, हमारे माई के गाड़ी दी है, हमको बहुत बुरा लग रहा है, यानी माँ मेरी बहन को गाड़ी दी है, अपनी भाषा का मर्यादा रखना पड़ेगा। किसका औलाद है? नहीं नहीं, ये सब हमारे माये ना है जी, हमारे माये आपको तो 6 नंबर, उसकी एक गलती है, उसे बात करने नहीं आता है 9 बजे के बाद। सुनिए भाई, उसको रिंकी को अपने भाषा के मर्यादा का एकदम उसने उल्लंघन किया है, इसका हम विरोध करते हैं। खुशी है हमें इस बात की कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार में आज भी लड़कियां इतनी अश्लीलता वीडियो पे नहीं उतरी हैं। हाँ। अगर कोई होगी तो मैंने देखा नहीं, कहीं ना कहीं गर्व है। तो ये उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत ज्यादा गंध मचा रहा है। हाँ। और योगी बाबा की इस पे नजर नहीं जा रही है। हम तो पहले भी बोले कि भले सरकार अंधा हो भैया, भगवान अंधा ना हो, अगर आज वो मरी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरी है। अरे तुम राखी के डोर के नहीं समझी, दिनवा में भैया रतिया में सैया, तो उसको शरम आया तो मर गए जाके। ये काहे नहीं समझ रही है भेलपुरिया भौजी की, भाई हम अपने तरह लोगों को बना रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे। अरे पति पत्नी, हर पति पत्नी रूम के अंदर क्या करता है सबको पता है, तो क्या वो हम लोग को समाज में दिखाएगा? हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा लोग देख के उत्तेजित होके जाके बाहर रेप कर देगा शरामी के कारण। यही सब के कारण आज बलात्कार जैसे शब्द का जो है ना प्रयोग किया जाता है। हमारे दीदी ठीक बोल के है, गाँव देहात के पोछनी कहीं। हाँ। की तोरा कीपैड मोबाइल न चलावे आवा हलो, आ मोबाइल मिल गेलो है तो भतार के साथ अलबला रही है। आए तो कम अलबलाइए आप लोग, वीडियो जो बनाते हैं ना सभ्य तरीका से बनाइए, क्योंकि हमारी जितनी बहन वीडियो देख रही है ना दीदी, अब आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाई अकेला है, हमको जितनी दीदी लोग सपोर्ट करेगी तब अच्छे कार्यों में एकदम सपोर्ट रहेगा। और बस थोड़ा जो है आप भी भाषा का मर्यादा रखिए ना, हमरा भैया हम लड़का ही, हमरा लग कोई दिक्कत नहीं, हमरे लगे जाओ महिलाओं को चप्पल ना देखा। अरे भाई के बात, वो महिला है ये नहीं, राक्षसनी समीर चौधरी आज भी बोली थी।